गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो आज आप निकालेंगे भाषा अभ्यास पेज नंबर 49। तो हमने भाषा माधुरी में लेसन पढ़ा था मेला, तो उससे उसकी हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे कनेक्टेड एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पाठ मेला में आए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, पहले मेला लेसन पढ़ना है भाषा माधुरी का, और फिर उसमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, अभी हम पढ़ेंगे इसको और आपको समझाएंगे कि इसमें जो समान लय वाले शब्द आते हैं, मतलब जैसे मेला है तो इसके लास्ट में ये जैसे ला आना चाहिए, है ना, वो कौन से शब्द हैं ये लेसन पढ़ के आपको पता लगेगा। जैसे मेला का बन सकता है, वैसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, केला खेला, है ना, तो ऐसे। लेकिन आपको देखना है कि जो आपके लेसन में आए हैं वो ही वर्ड आपको जिसके लास्ट में ला आया है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब जमाई, है ना, जमाई का लास्ट में हम कौन से दो शब्द देखेंगे जिसमें आया होगा माई, है ना, तो जमाई का कैसे बन सकता है, जैसे समाई कमाई इस तरीके से, लेकिन लेसन में माई जो वर्ड होगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे और फिर अपने आप लिखेंगे यहाँ पे। बस्ती स्ती, स्ती आएगा इसमें जिसके लास्ट में, उस वो शब्द आप ढूंढेंगे, बस्ती मस्ती, है ना, हस्ती इस तरीके से। आई है तो इसके लास्ट में आपने बड़ी देखनी है, तो आई नाई भाई लाई खाई कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये जो अंडरलाइन मैम ने करा है, इन शब्दों को पहले लेसन पढ़ेंगे और इसमें जहाँ पे ये शब्द आ रहे हैं वो ढूंढ कर आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो वन है ये आपका क्या है, दिस इज योर होमवर्क। अब है दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। वचन बदलना क्या होता है बेटा, जैसे हमको एक वचन होता है, जो चीज़ एक होती है उसको हम एक वचन बोलते हैं, और जब ज़्यादा उसके वचन बदल देते हैं तो क्या बन जाता है, बहुवचन। एक से ज़्यादा जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं, और एक वचन होता है जो सिर्फ एक चीज़ होती है, जैसे मिठाई। मिठाई का क्या बनेगा जब वचन हम इसका बदल देंगे, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, चंद्रबिंदु आ गए। दवाई दवाइयाँ, दवाई या। कठिनाई कठिनाइयाँ। नदी नदियाँ, अब नदी का कैसे लिखेंगे, नदियाँ न दी या नदियाँ। बड़ी ई की मात्रा जब इसका वचन बदलते हैं, किसी भी शब्द में जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो जब उसका हम वचन बदलेंगे तो वो छोटी की मात्रा में चेंज हो जाती है। अब जैसे ये भी बड़ी की मात्रा है ना, कहानी, तो क्या बनेगा, कहानियाँ। क हा बड़ी की मात्रा आई, इसको छोटी की मात्रा में चेंज करेंगे, नी या। दुकान दुकाने, दू का ने बिंदी आएगी। किताब किताबें, किताबें। रात रातें, चंद्रबिंदु सॉरी ये अंक की बिंदी आएगी। बात बातें, इसमें भी अंक की बिंदी आएगी। आंख आंखें, आंखें, और चंद्रबिंदु आ गई। ठीक है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं और उसमें से आपको जो राइट वर्ड है उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे मिठाई डैश है तो क्या आएगा इसमें, मिठाई अच्छी है। झूला डैश है, झूला ऊंचा है, ये मैम टिक करवा रही हैं, आप अपने आप फिल करेंगे। बच्चा घूम डैश है,
बच्चा घूम रहा है। ठेला डैश है, ठेला बड़ा है। मदन ने गाना सुनाया या सुनाई, तो सुनाया आएगा, है ना। अब कम टू पेज नंबर 50। प्र से शुरू होने वाले पांच शब्द लिखिए। ये देखो, ये है प्र, है ना। जैसे ये वर्ड है प्रार्थना, तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न, प्रश्न। और है प्रयोग, प्रयोग होता है इस्तेमाल करना, प्रयोग। प्रथम, प्रथम मीन्स फर्स्ट आना, है ना, प्रथम मीन्स पहले, फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या है, प्रधान, प्र नया वर्ड बनेगा प्रधान। जैसे गांव होते हैं वहाँ पे ये प्रधान बनाया जाता है जो गांव के सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब है दिए गए वाक्यों में सही शब्द के सही जोड़े चुनकर लिखिए। तो इसमें करते हैं, वहाँ गांव में डैश तक हरियाली है, तो क्या आएगा, वहाँ गांव में दूर दूर तक हरियाली है, तो ये क आएगा, आप फिल अपने आप करेंगे। बच्चा खेल के डैश में गेंद उछालने लगा, बच्चा खेल के बीच आएगा, बीच बीच आएगा, बच्चा खेल के बीच बीच में गेंद उछालने लगा, आप अपने आप इसको भरेंगे। वे सब डैश कर गा रहे हैं, वे सब झूम झूम, तो यहाँ पे झूम झूम कर गा रहे हैं। नदी के डैश पेड़ हैं, नदी के किनारे किनारे पेड़ हैं, तो ये आएगा घ। उन्होंने झाड़ियाँ डैश कर अलग कर दी, उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर अलग कर दी। अब है दिए गए शब्दों में सही जगह पर र मात्रा लगाइए, है ना। ये र की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है आधा र। जैसे धर्म, है ना, र की आवाज़ है, लेकिन हम इसको धर्म नहीं पढ़ सकते ना, तो इसको पढ़ेंगे धर्म। और ये है वर्ष, व र श, ऐसे पढ़ते हैं। व के बाद अगर छोटी र की आवाज़ आएगी आपको, इसका मतलब वो आधा र है, ठीक है, और वो उसके बाद आता है। अब ये पव है तो क्या बनता है इसे, पर्व, शर्म, गर्दन, ग के बाद र की आवाज़ आ रही है तो आगे वाले अक्षर के ऊपर र की ये मात्रा लगती है। कुर्सी, कुर्सी है ना, तो कुर्सी, र की आवाज़ आई ना, तो ये र लग गया। वर्षा, दशक, दर्शक, द र श क, है ना, दर्शक, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 50 तक हो गया। तो ये लेसन नंबर 13 में से, मेला में से पहले ये आपको जो समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसमें थर्ड क्वेश्चन में से आपको जो सही शब्द बताया है वो इसमें फिल करेंगे, और आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया इसमें बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सही जोड़े थे उसको आपको बता दिया है, वो आप इसको फिल करेंगे, और अच्छे से 1 to 6 तक मेला लेसन के क्वेश्चन जो हैं आप रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा।